Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start our lesson number 3 of subject science, and the name of the topic is sound. Okay, what is the name of the topic? Sound. And it's our lesson number 3. First of all, I will tell you about what is sound and what is vibration. Now, first sound. What is sound? Sound is a form of energy. Sound जो है वो एक तरह की क्या है, type of energy है. Okay? It is produced by vibration. और ये कब produce होती है? ये produce होती है जब कोई भी चीज़ vibrate करती है. Okay? It is produced by vibration. I'll repeat. What is sound? Sound is a form of energy. It is produced by vibration. ये produce होती है by vibration. जब कोई भी चीज़ vibrate करती है, move करती है अपनी जगह से, vibration होती है उसमें, तो क्या produce होता है? Sound produce होता है. Okay? अब what is vibration? Vibration क्या है? Vibration are the regular up and down. Continuous किसी चीज़ में regular up and down हो रहा हो, या और back and forth या आगे पीछे, back and forth हो रहा हो movement of certain bodies. Okay? Vibration are the regular up and down or back and forth movement of certain bodies. किसी भी चीज़ में continuous up and down movement हो रही हो या back and forth movement हो रही हो, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. ओके, दिस इज व्हाट इज साउंड. क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज वाइब्रेशन. नाउ हाउ डज साउंड ट्रेवल. साउंड जो है वो किस तरह ट्रेवल करता है, यानी कि मूव करता है. माय क्वेश्चन इज हाउ डज साउंड ट्रेवल. ओके, साउंड वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस. साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, मूव करती हैं इन ऑल डायरेक्शंस, हर तरह की डायरेक्शन में. साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू. किस किस तरह ट्रेवल करती हैं? साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू. किस किस तरह ट्रेवल करती हैं? साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, सॉलिड चीज़ों में भी, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, साउंड वेव्स, आई रिपीट अगेन, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. यानी कि सॉलिड चीज़ों में भी साउंड ट्रेवल करता है, लिक्विड में भी ट्रेवल करता है और गैसेस में भी ट्रेवल करता है. ओके, साउंड जो है वो तीनों चीज़ों में ट्रेवल करता है इंस्टेड वैक्यूम. ओके, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. ओके, नाउ व्हाट आर साउंड वेव्स. साउंड वेव्स क्या हैं? व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब बॉडी वाइब्रेट करती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर प्रोड्यूस. उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है वन आफ्टर द अदर एंड दे ट्रेवल आउटवर्ड्स. दिस इज नोन एज साउंड वेव्स. ओके, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, एंड दे ट्रेवल आउटवर्ड्स, और वो ट्रेवल करता है बाहर की तरफ. दिस इज नोन एज साउंड वेव्स. इसे हम कहते हैं साउंड वेव्स. नाउ कम टू, ओपन योर बुक, पेज नंबर 88. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है. यू हेयर द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल. क्या आपने कभी अपनी स्कूल बेल का साउंड सुना है? यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द साउंड ऑफ अ ड्रम. और आपने
ड्रम जो बजता है जब उसका भी साउंड सुना होगा. यू माइट हैव सीन अ पर्सन प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ मेटालिक स्ट्रिंग लाइक द सितार बैंजो एंड गिटार. और आपने सितार बैंजो और गिटार के भी साउंड ज़रूर सुने होंगे. हाउ आर दीज साउंड प्रोड्यूस, ये साउंड किस तरह प्रोड्यूस होते हैं. When you strike the school bell, अगर हम school bell की example ले लें तो जब हम school bell को strike करते हैं with a wooden hammer, किससे, एक लकड़ी के hammer से, the bell starts vibrating, तो वो bell जो है वो vibrate करना शुरू हो जाती है. You can feel these vibration by touching it, और आप इस vibration को touch करके भी महसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं with your fingertip, अपने fingertip की मदद से. You will also find that when the vibration stop, और फिर जैसे ही vibrations stop हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा the sounds also stop. तो जैसे ही उस school bell पे vibration stop हो जाएंगे तो sound भी जो है वो stop हो जाएगा. ओके, यू कैन ट्राई द सेम एक्सपेरिमेंट विद द ड्रम सितार एंड बैंजो. और यही एक्सपेरिमेंट आप इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. This is how sound is produced. Now come to the topic, sound waves travel in all direction. Okay? At the end of break, when the school bell is rung, children playing in all around the school. जब school bell बजती है तो बच्चे जो हैं वो पूरे स्कूल में हर तरफ फैले हुए होते हैं. कैंपस हेयर द साउंड एंड रश बैक टू देयर क्लासेस. तो उन्हें आवाज़ आती है जैसे ही स्कूल बेल रंग होती है बजती है, तो उन्हें जैसे ही आवाज़ आती है तो वो भागते हुए फौरन अपनी क्लासेस में वापस आ जाते हैं. दिस एक्सप्लेन्स दैट द साउंड वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द बेल ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस. इस बात से हमें ये पता चलता है कि जैसे जो साउंड जैसे ही स्कूल बेल बजी तो जिसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो स्प्रेड आउट हो गया ऑल ओवर द स्कूल. और इसी वजह से जो है हमें पता चला कि जो साउंड है वो हर जगह पे ऑल द डायरेक्शन में ट्रेवल करता है. जैसे कि साउंड वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द बेल, जो साउंड वेव बेल में से निकली थी बजाते वक्त ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, वो हर तरफ फैल गई. दैट इज़ वाई इट इज़ हर्ड बाई चिल्ड्रन, इसीलिए बच्चों को वो सुनाई दी क्योंकि वो तो हर तरफ फैले हुए थे स्कूल में. तो जैसे ही वो बेल बजी तो उसकी आवाज़ स्कूल के हर कोने में सुनाई दी. एंड दे रिटर्न टू देयर क्लासेस, और उसकी आवाज़ सुन के बच्चे जो है वो अपनी क्लास में वापस आ गए. ओके, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. ओके, हाउ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स. पुट योर ईयर अगेंस्ट द विंडो पेन एंड टैप द पेन विद योर फिंगर टिप. कैन यू हेयर द साउंड, क्या आपको आवाज़ सुनाई देगा. इज साउंड लाउडर और सॉफ्टर. हाउ डज इट गेट टू यू, किस तरह वो आपके पास आएगा. डज द साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, क्या साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड मटीरियल में. इसका आंसर आपने इस एक्टिविटी के थ्रू मिलेगा, एक्टिविटी 6.03. ओके, स्ट्राइक द वुडन सरफेस ऑफ द टेबल, लकड़ी के टेबल को जब आप बजाएंगे विद योर फिंगर नेल, अपने उंगलियों के नेल से. ऑब्जर्व द साउंड यू हेयर, तो उससे जो साउंड निकलेगा उसको आप गौर से सुने. नाउ प्लेस योर वन ईयर अगेंस्ट द सर्फेस ऑफ द टेबल एंड क्लोज द अदर वन विद द फिंगर टिप. अब आपने क्या करना है, एज आई शो यू इन दिस पिक्चर. ओके, नाउ प्लेस योर वन ईयर अगेंस्ट द सर्फेस. आपने अपना ईयर जो है वो सर्फेस ऑफ द टेबल पे रखना है एंड क्लोज टू अदर वन विद अ फिंगर टिप, और दूसरे हाथ से आपने टैप करना है टेबल को. स्ट्राइक द वुडन सर्फेस अगेन, अब अगेन आप अपने फिंगर नेल से वुडन सर्फेस को स्ट्राइक करेंगे. यू हेयर लाउडर साउंड, वॉट डज दिस शो. ओके, दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड मीडियम्स. ओके, इस तरह आप जैसे ही टैप करेंगे टेबल को तो ऐसी आवाज़ आएगी, वो आपके जो साउंड वेव्स हैं वो आपके एयर तक जाएंगी और आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा. एंड दिस एक्टिविटी शोज़ दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड थिंग्स. ओके, दैट इज, इट इज़ क्लियर दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड थिंग्स. नाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड, साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स
दिस कैन बी शोन विद द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये हम एक और एक्टिविटी से देखेंगे कि हाउ साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड्स. ओके, टेक अ स्मॉल बेल, पुट इट इन अ पॉलीथिन बैग, टाइटन द माउथ ऑफ बैग वेल, अच्छी तरीके से नॉट कर दें, हैविंग इट इन अ बकेट फिल्ड विद वाटर, और उसे ऐसे बकेट में डाल दें जो कि पानी से भरा हुआ हो, रिंग द बेल अंडर द वाटर, फिर उस बेल को बजाएं पानी में रखते हुए, एंड नियर द साउंड विद योर वन ईयर क्लोज टू द वाटर, और अपने एक कान को पानी के सरफेस के करीब ले जाएं. डू यू हेयर एनी साउंड, वॉट डज दिस शो, क्या आपको कोई आवाज़ आएगी, क्या इससे किस तरह का साउंड निकलेगा. ओके, एक्टिविटी नंबर 6.04, टेक अ ग्लास बेसन और बकेट, क्लिक टू स्पून्स टुगेदर इन द एम्प्टी बेसन, पहले खाली बेसन या बकेट में दो चम्मच स्पून्स को आप जो है वो डालेंगे. ओके, ऑब्जर्व द साउंड यू हेयर, अब आप देखें कि इसमें से आपको कैसी आवाज़ आ रही है. ओके, एम्प्टी बकेट है ये, इसमें कुछ भी नहीं है. नाउ फिल द बेसन और बकेट विद वाटर, अब आपने क्या करना है, उसी बेसन या बकेट को फिल कर देना है वाटर से, क्लिक द स्पून्स अगेन, अब अगेन आपको स्पून्स डालनी है उसके अंदर पानी के अंदर, अंडर द वाटर, ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू द वाटर, अपने कान को पानी के सरफेस के करीब ले जाएं, एंड ट्राई टू हेयर द साउंड. डू यू हेयर अ लाउडर साउंड, कंपेयर इट विद योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इज द लाउडर साउंड दिस टाइम, द साउंड फ्रॉम द क्लिकिंग स्पून अंडर द वाटर सरफेस सीम्स लाउडर, पानी के अंदर जो साउंड है वो लाउडर होगा. ओके, एक्टिविटी 6.5 and 6.06 शोज दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू लिक्विड, दीज टू एक्टिविटीज शोज यू डिस्क्राइब्स यू दैट साउंड्स कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स. साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती. ओके, यानी कि खाली जगह पे. अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मटीरियल थिंग्स गैसेज लिक्विड एंड सॉलिड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड द मीडियम ऑफ द साउंड वेव्स. इफ देर इज़ नो मीडियम अराउंड द वाइब्रेटिंग बॉडी, लेकिन अगर कोई मीडियम होगा ही नहीं, साउंड वेव्स कैन नॉट रीच योर ईयर, तो कोई भी आवाज़ आपके कानों तक नहीं आएगी, एंड यू कैन नॉट हेयर एनी साउंड, और आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. इन अ कम्प्लीट वैक्यूम, बिल्कुल खाली जगह, साउंड ट्रेवल्स एट ऑल, दिस कैन ईजिली बी एक्सप्लेन एज इन अ वैक्यूम देर आर नो मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन, जब खाली जगह होगी, वैक्यूम होगा, तो वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जिससे कंप्रेशन हो या रेरिफ्रैक्शन हो. इन स्पेस फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं साइंसदान कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू रेडियो, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू रेडियो, दे कैन नॉट स्पीक डायरेक्टली, ये वो एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बिकॉज देर इज़ नो मीडियम थ्रू विच साउंड वेव्स कैन ट्रेवल, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जिसकी वजह से साउंड वेव्स ट्रेवल कर सके. साउंड फ्रॉम एक्सप्लोजन इन द सन डज नॉट रीच अस बिकॉज ऑफ वैक्यूम बिटवीन द सन एंड द अर्थ. ओके, क्योंकि बिल्कुल वो वैक्यूम है, वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है और बिल्कुल खाली जगह है, तो साउंड वेव्स वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता इन द वैक्यूम और इन द स्पेस. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. साउंड हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने हैं, थ्री. ओके, नंबर वन, लाउडनेस, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच, जिसके ज़रिए वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसके ज़रिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन अ लाउड एंड फेंट साउंड, बिटवीन आर लाउड तेज और फेंट साउंड. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है फॉलोइंग थिंग्स पे. नंबर वन, एम्पलीट्यूड. नंबर टू, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी. इट इज़ The loudness of sound depends on the following things. Number one, amplitude. Number two, surface or area of the vibrating body and distance from the vibrating body. Okay, done. Now come to pitch. What is pitch? It is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. Okay, it
We will distinguish between a shrill sound and a grave sound. Pitch depends upon the frequency of the vibration. It depends upon the number one, frequency of the vibration, number two, length of the body, and number three, thickness of the body. Okay? This is what pitch. Now, what is quality? Quality is the characteristic of sound. This is a third characteristic of sound by which we can distinguish between sound of the same loudness and pitch. Okay? ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसके थ्रू हम डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच. एक ही तरह के लाउडनेस एंड पिच वाले साउंड को हम डिस्टिंग्विश करते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डिफाइन फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ बॉडी इन वन सेकेंड. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं जो पास होती हैं थ्रू अ बॉडी इन वन सेकेंड. एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पास होते हैं थ्रू आर बॉडी सिर्फ एक सेकेंड में, जो इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. उसे हम कहते हैं इट्स फ्रीक्वेंसी. ओके, आई रिपीट. फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पासिंग थ्रू अ बॉडी इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. Now come to the topic sound pollution. What is sound pollution? Sound pollution, unpleasant sound. Unpleasant sound क्या होता है? वो sound जो आपको कानों को या आपको अच्छा ना लगे, जो आपको irritate करे या जो आपको अच्छा ना लगे, this is called unpleasant sound. Unpleasant sounds are called noise and excess of unpleasant sound. उसे हम कहते हैं noise. Noise यानी कि शोर. Is called noise pollution. और उससे क्या होती है? Noise pollution भी होती है. अब हम differentiate करेंगे, differentiate between musical sound and noise. अब musical sound क्या होता है और noise क्या होता है, इसके बारे में हम differentiate करेंगे. ओके, फर्स्ट musical sound. Sound which produce pleasant effect on the eardrum is called musical sound. वो साउंड जो आपके ईयर ड्रम पे एक अच्छा इफ़ेक्ट दे, एक प्लेजेंट इफ़ेक्ट दे, जिसे सुनकर आप खुश हों, आपको जो अच्छा फील हो, उसे हम कहते हैं म्यूज़िकल साउंड. ओके, एंड नॉइज़, साउंड विच प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट ऑन द ईयर ड्रम इज कॉल्ड नॉइज़. और वो साउंड जो आपको इरिटेट करे, जो आपको अच्छा ना लगे, जिससे आप परेशान हो जाएँ या बहुत ज़्यादा तेज़ हो, जिसे आप नहीं पसंद करें, मतलब वो अच्छा ना हो, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉइज़. उसे हम कहेंगे नॉइज़. ओके, नंबर टू, इट हैज़ सम रेगुलरिटी. साउंड ऑफ बर्ड्स, जैसे कि प्लेजेंट साउंड्स में क्या आएंगे म्यूजिकल साउंड्स में? साउंड्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों की आवाज़ें बहुत प्लेजेंट होती हैं. वाटर फॉलिंग फ्रॉम हिल्स, पानी जो हिल्स से गिरता है, वाटर फॉलिंग, वो भी बहुत प्लेजेंट होता है, आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिकल साउंड. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिकल साउंड. नाउ कम टू नॉइज़, इट इज़ एन एब्रप्ट साउंड. ये बहुत ज़्यादा जो है आपको इरिटेट करता है. साउंड ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक का साउंड, जनरेटर, जनरेटर का साउंड, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़. दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉइज़. नाउ what is reflection of sound? Okay, what is reflection of sound? You know that when light rays fall on a smooth shining surface, these are turn back. जब भी light rays जो हैं वो fall करती हैं किसी smooth shining surface पे, these are turn back. वो जो है वो turn होके वापस जाती हैं. In a particular direction. I'll repeat. You know that when light rays fall on a smooth shining surface. जब किसी भी smooth shining surface पर light rays जो हैं वो गिरती हैं, आके पड़ती हैं, these are turned back. तो वो वापस turn back होके जाती हैं in a particular direction. एक मखसूस direction में. If a rubber ball is thrown against a wall. अगर किसी rubber ball को आप दीवार की तरफ फेंकेंगे, what happened to it? तो क्या होगा? It bounces back. तो वो पलट कर आपके पास वापस आएगी. Similarly, when sound waves strike a surface, जब sound waves किसी surface को टकराती हैं, जाके strike करती हैं, these turn back. तो वो भी turn होके back, turn back करके वापस आती हैं and obey the same laws
एज द लाइट, और वो वही लॉ होता है एज अ लाइट का होता है कि जब भी वो किसी सरफेस पे पड़ती हैं तो दे टर्न बैक एंड रिफ्लेक्ट टू द जहाँ से वो आई हुई होती है. ओके, तो दीज शो दैट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस, ये इससे हमें पता चलता है कि जब साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं किसी सरफेस पे तो वो दे बाउंस बैक, वो पलट कर वापस आती हैं. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. आई रिपीट, दिस शो दैट व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस दे बाउंस बैक, वो बाउंस करके बैक रिफ्लेक्ट करके वापस जाती हैं. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यू विल लर्न मोर अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई डूइंग एक्टिविटी M6.04, इट्स ऑन पेज नंबर 90. ओके, एज यू सी इन दिस पिक्चर, वेन साउंड इज प्रोड्यूस इट वेव्स, साउंड वेव्स, when sound waves are produced by it, the waves bouncing back after striking a medium and it is called refraction of sound. Okay, now my question is what is echo. Okay, echo kya hota hai, echo sound suna hoga aapne, an echo is a reflected sound. Echo jo hai wo bhi reflected sound hota hai. Okay, echo is a, in a simple word I will you will say that what is echo, an echo is a reflected sound. Ye ek reflected sound hota hai. Okay, if you shout in an empty big hall, agar aap kisi bilkul khali, empty yani ke khali big hall, bahut bade hall mein shout karenge, what sound do you hear, to aapko kaisa sound sunai dega, you hear reflected sound, aap ko reflected sound sunai dega later than your original sound, बजाय के आपके ओरिजिनल साउंड के. दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एन ईको, और इस रिफ्लेक्टेड साउंड को हम क्या कहते हैं, ईको. क्या कहते हैं, यस, ईको. आई रिपीट, इफ़ यू शाउट इन एन एम्प्टी बिग हॉल व्हाट साउंड डू यू हियर, यू हियर रिफ्लेक्टेड साउंड लेटर देन योर ओरिजिनल साउंड. This reflected sound is called an echo, as you see in this picture. Okay, when you say something, when you in a big empty room or hall, the sound waves fall and bounce back, means it refracts, okay, and produce echo sound. So So, now take the children in an auditorium or in a narrow valley. किसी auditorium में, hall में किसी बच्चे को ले जाएं. Observe the echo, और फिर echo sound को observe करें. Echoes are not heard when the auditorium is filled. लेकिन अगर वो hall या auditorium fill होगा लोगों से तो आपको echo sound observe आप नहीं कर सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे. Echoes can also be heard in corridors and near the mountains. माउंटेन्स में भी जाके हो सकता है इको साउंड, और खाली जो एम्प्टी हॉल्स ऑडिटोरियम्स हैं उनमें भी हो सकता है. इकोज़ आर यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर, दीज आर ऑल्सो यूज इन रडार एंड फॉर जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन. बैट्स लिसन टू इकोज, बैट्स जो हैं वो सुन सकते हैं इको साउंड ऑफ देयर ओन साउंड, अपने ही साउंड का, एज द साउंड बाउंसेस ऑफ ऑब्स्टिकल. इन दिस वे बैट्स नोन द ऑब्स्टिकल एंड अवॉइड देम. ओके, बैट्स में ये क्वालिटी होती है कि वो भी जो है अपना साउंड, इको साउंड सुन सकते हैं, वही साउंड जो उनका बाउंस बैक होके आता है. ओके, तो दिस इज इन दिस वी लर्न अबाउट वॉट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वॉट इज इको एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ओके,